नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। साइबर सिटी में विकास परियोजनाओं के लिए सरल व सुगम तरीके से सरकारी ज़मीन उपलब्ध करवाने के लिए लैंड बैंक जल्द ही शुरू होने जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि बैंक की प्रक्रिया में तेजी लाने के डीसी निशांत कुमार यादव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी गाँव, नगर पालिका व परिषदों, क्षेत्रों, जिले के दोनों नगर निगमों सहित विभिन्न विभागों की जमीन का डेटा एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं। निशांत यादव की माने तो हरियाणा में आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा लैंड बैंक नीति पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की लैंड बैंक नीति से जमीन बेचने वालों को उनकी जमीन का सही रेट मिलेगा और सरकार को विकास कार्यों के लिए आसानी से जमीन भी उपलब्ध हो पाएगी। सर, लैंड बैंक बनाने की तैयारी चल रही है, क्या है ये लैंड बैंक, एक बार बताएं। लैंड बैंक का कंसेप्ट ये है कि जितनी भी सरकारी हमारी जमीनें हैं, चाहे वो पंचायतों के पास हों, नगर पालिका या नगर निगमों के पास हों, उनको इकट्ठा करके एक बैंक बनाया जाए ताकि किसी भी सरकारी विभाग को आगे कोई प्रोजेक्ट लेना हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई और चीज़ें अपनी डेवलप करनी हो, तो उसी ज़मीन पे वो कर ले ताकि उस विभाग को नई ज़मीन एक्वायर ना करनी पड़े या ख़रीदनी ना पड़े, और इससे सरकारी ज़मीन जो है उस पे अतिक्रमण होने का, खुर्द-बुर्द होने का खतरा भी कम हो जाता है। तो इसलिए हमने सारे सरकारी विभागों को कहा है कि उनकी जितनी भी ओनरशिप की ज़मीनें हैं उसकी डिटेल हमें दे दें। SDM गुड़गांव जो है वो इसके नोडल अधिकारी रहेंगे और जल्दी ही हम इसका नोटिफिकेशन जारी कर पाएंगे। अक्सर देखने में आता है कि भूमि मालिकों, विशेष रूप से विदेशों में रहने वाले लोगों को बाजार में मंदी या महामारी, बिचौलिया के दबाव या विभिन्न कारणों से अपनी भूमि की बिक्री मजबूरी करनी पड़ती है। ऐसे में लैंड बैंक विभिन्न विभागों, भूमि मालिकों, किसानों और राज्य सरकार के लिए फायदे की स्थिति की पेशकश करेगा, जहां किसान प्रतिस्पर्धी मूल्य पर भूमि बेचने में सक्षम होगा। वहीं कई बार संबंधित जिले में सरकार के पास जमीन होने के बावजूद किसानों से महंगे भाव पर जमीन खरीदनी पड़ती है। ऐसे में जिला के सभी विभागों की उपलब्ध जमीन का डेटा इकट्ठा कर लैंड बैंक में समायोजित किया जाएगा। इतना ही नहीं, लैंड बैंक से आवश्यक सेवाओं जिसमें जलघर, बिजली सब स्टेशन, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं पॉलिटेक्निक आदि सहित अन्य विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए जमीन मिल सकेगी। सर, अगर किसान अगर बेचना चाहे अपनी ज़मीन, तो ये किसानों की भी ज़मीन खरीदेंगे बैंक या फिर ये सरकारी ज़मीनों के ही बस? इसमें बेसिकली ये जो लैंड का पूल है, ये जो लैंड का बैंक है, इसका प्रावधान ये भी है कि अगर कई बारी किसान को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, उसको कई बारी अचानक से पैसे की ज़रूरत आ पड़ती है या कहीं कोई विदेश जा रहा है, तो उसको कई बारी अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, तो उसमें सही तरीके से ख़रीदार ना मिलने की वजह से कई बार ओने पौने दामों पर जो है किसान अपनी ज़मीन बेचता है। तो लैंड बैंक का कंसेप्ट ये भी है कि किसान सरकार को भी अपनी ज़मीन जो है बेच सकता है और सरकार उसको अपनी पूल में लेकर के रख लेगी और आगे उस पर कोई अपना प्रोजेक्ट ला ले आ सकती है। साइबर सिटी में लैंड बैंक का डेटा बनाने के लिए गुरुग्राम की SDM अंकिता चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो ये सुनिश्चित करेगी कि जिले में अगले 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायतों की ऐसी भूमि जो किसी प्रकार के मुकदमों से मुक्त हो, नगर पालिका व परिषद की वो ज़मीन जो पट्टे पर देने के लिए खाली हो, नजूल भूमि यानी कि जिसका मालिकाना हक किसी के पास ना हो, उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाए। इसके साथ साथ सरप्लस भूमि व किसी विभाग की वह भूमि जो किसी परियोजना को लेकर अधिग्रहित की गई थी लेकिन प्रोजेक्ट ड्रॉप होने के कारण अभी तक खाली पड़ी है, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा शामलात जमीन को लेकर हरियाणा सरकार के पक्ष में फैसला दिए जाने के बाद सभी ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषद व पालिकाओं की शामलात भूमि की भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाए ताकि उस भूमि का म्यूटेशन पुनः पंचायत अथवा नगर पालिका व परिषद के नाम करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। अब तक लेबस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।